इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम 2023 के लिए फिर से आंसर की जारी होने वाला है। इसका रीजन है एनटीए अपने आंसर सीट में, ठीक है, जो प्रोविजनल आंसर सीट था एनटीए का, उसमें हर एक सब्जेक्ट में 30+, ठीक है, मैक्सिमम 30+ क्वेश्चन गलत कर दिया है। ऐसी गलती एक लापरवाह स्टूडेंट भी नहीं करता है। आप अगर एक थर्ड क्लास या फिर जो बैक बेंचर जो स्टूडेंट होते हैं, जो पीछे बेंच में बैठते हैं स्टूडेंट, उनका भी इतना गलती नहीं होता है। 30+ अगर मैक्सिमम गलती हो, वो भी टोटल 40 क्वेश्चन में, तो ये फेल माना जाता है। तो क्या एनटीए के अधिकारी आंसर शीट को जारी करने वाले कहीं से फेलियर वाले स्टूडेंट को बैठा है क्या, या फिर अनपढ़ इंसान को बैठा है? समझ में नहीं आ रहा आंसर शीट में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं। और इस कारण से स्टूडेंट का खून चूस लिया गया है, ठीक है, एनटीए के द्वारा। जी हाँ, चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ी हो गया। अगर आप तुरंत नोटिस जारी कर देते, जैसे ही 29 तारीख को आपने आंसर की जारी किया, उसके तुरंत बाद यानी 30 तारीख को भी अगर आप सुबह में अगर आप ये चीज पूरा क्लियर कर देते कि दोबारा आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा, रिवाइज आंसर की आएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि रात के 11 बजे, 1 तारीख के रात के 11 बजे के बाद यहाँ पर नोटिस दिया जाता है कि दोबारा से रिवाइज आंसर की आपका अवेलेबल करवाया जाएगा। कितना चालाक है एनटीए, आप यहां पर ध्यान से समझिए, क्योंकि 1 तारीख तक आपका लास्ट डेट था जो भी एनटीए का जो आंसर गलत था उस पर ऑब्जेक्शन डालने का। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस पर ऑब्जेक्शन भी डाले, फी भी पेमेंट कर दिए, ठीक है, और तकरीबन हज़ार रुपये फीस पेमेंट किए हुए, ठीक है, सिर्फ आंसर को सुधारने के लिए। तो सारा पैसा लेने के बाद यहाँ पर आखिर में रात के 11 बजे आंसर शीट जारी करने वाला एक नोटिस देता है। यहाँ पर एक साजिश के जैसा ही हो रहा काम। मतलब ये पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कोई मानी नहीं रखता है। बस आपको एनटीए को पैसे पर पैसे भरना है, ठीक है, और एनटीए बार बार गलती पर गलती करते जाएगा, उसका कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है, उस पर कोई नहीं बोल सकता। कोई अगर बोलेगा, अगर कोई यूट्यूबर भी अगर बोलना चाहता है, तो उसके चैनल पर अंडर रिव्यू में वीडियो पर स्ट्राइक भेज दिया जाएगा, वीडियो डिलीट करवा दिया जाएगा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, आप सभी को पता है, नया सत्र आएगा 2024 का, उसके बाद फिर से वो अपने कोर्स को ले आएंगे, 2000-3000 जितना होगा बेचेंगे, और फिर उसी प्रकार जैसे 2022 में गलती किया एनटीए ने, फिर 2023 में गलती किया, फिर 24 में भी गलती करेगा, और तकरीबन हजारों लाखों स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खेल खेलता रहेगा एनटीए। टीचर को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपके पैसों से मतलब रखते हैं, ये सच्चाई है, कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, ये सब तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। हम समझते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो बैठा है टेक्निकल वाला, काम करने वाला, जो आंसर शीट को टाइप करता है, वो नौसिखिया इंसान बैठा है, जिस कारण से आपका आंसर की गलत हो गया। चलिए ठीक है, आपने उसको ट्यूशन दिया, अब दोबारा से वो अच्छे से टाइप करके दोबारा से रिवाइज आंसर की जारी करेगा, ठीक है, चलिए मैंने मान लिया, यहाँ आपने अच्छे से खून चूस लिया स्टूडेंट का। लेकिन ये क्या आपने जारी किया कि फिर से एडमिट कार्ड जारी कर दिया, वो भी आंसर की आने के बाद? समझ में नहीं आ रहा है, कोई इंसान मर गया है और आप अपने शादी का इनविटेशन उसको देने वाले हो कि आप मेरे शादी में आइएगा। आपने साफ साफ बताया था कि फाइनल जो फेज था वो 22 जून और 23 जून था, इसके बाद आपका कोई भी फेज नहीं होगा, ना ही किसी का एडमिट कार्ड जारी होगा, सारे स्टूडेंट का रिलीज कर दिया गया है। पर ऐसा नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था, और उसी स्टूडेंट का यहाँ पर दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो क्या उसका फिर से एग्जाम लिया जाएगा, या फिर उसको सिर्फ झूठे झूठे सेंटर दौड़ा रहे हो ताकि उनका पैसा खर्च हो, या फिर अगर एग्जाम भी ले लीजिएगा तो फिर क्या दोबारा आप आंसर जारी कीजिएगा? तो ये सिर्फ एनटीए और ऊपर वाला ईश्वर के अलावे किसी को नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एनटीए और एनटीए का मालिक जाने। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में इतना खराब एजेंसी नहीं देखा है, इतना खराब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाला एजेंसी लाइफ में मैंने नहीं देखा है, और इसके खिलाफ में कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर इसके विरुद्ध में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर इस पर क्यों नहीं जांच पड़ताल हो रहा है? क्योंकि एक देश का जो भविष्य होता है वो युवा पीढ़ी होता है, जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करते हैं, वही सारा कुछ आगे देश के भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं, और आप उनके साथ यहाँ पर आप उनका ब्रेक डाउन कर रहे हो। सीधा बात है कि उनके जिंदगी से खेल रहे हो। अगर इस वीडियो को कोई बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े टीचर जो आप देख रहे हैं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पर वीडियो बनाइए और उनको बोलिए कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर मांग रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमें व्हाट्सअप करते हैं कि सर मैंने इतना पेमेंट किया, इसके बाद में बताया जा रहा है कि रिवाइज आंसर किया आएगा, तो फिर पेमेंट का क्या होगा, और बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है एनटीए के द्वारा, तो कुछ कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम 2024 में भी कितने स्टूडेंट की भविष्य को बर्बाद कर देगा एनटीए, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट हम उस साइट पर ले जाएंगे जहां पर दोबारा से आपका आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा, यानी प्रोविजनल आंसर की दोबारा से रिलीज कर दिया जाएगा, इसका यहां पर अपडेट भी आ चुका है, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, तो यहां पर देख सकते हो रिवाइज्ड प्रोविजनल आंसर की ऑफ सीयूटी यूजी 2023 आर अवेलेबल, ठीक है। अभी तक से अवेलेबल हुआ है कि नहीं हुआ है मैं आपको लाइव यहां पर चेक करके बताने वाला हूं। तो आपको यहां पर लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे आप यहां पर लॉगिन करोगे, इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन हटा दिया गया था 1 तारीख को, लेकिन यहां पर फिर से आ चुका है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स शीट। अब यहां पर क्या होगा, चैलेंज वाला भी आपका यहां पर ओपन कर दिया जाएगा लिंक, ठीक है, अभी नहीं आया है। जैसे ही रिवाइज आंसर की अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आप क्लिक कीजिएगा,
उसके बाद दोबारा से एक नया आंसर शीट आपको मिलेगा और फिर से आप आंसर को चेक कीजिएगा और फिर से आपको मिलाना होगा और फिर से आपको मार्क्स चेक करना होगा कितना मार्क्स आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ गलती NTA का है, तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी वीडियो जाए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है CUT में, NTA क्या कर रहा है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।